बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इनविजिबल पाइपिंग लगाना। तो मैं आज आपको दो तरीके सिखाऊंगी। पहला जो तरीका है उसमें हम पहले इस तरीके से हमारी स्लिट पे प्रेस से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। देखिए, पहले वाले तरीके में हमें यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत होगी, यानी आपको 1 से 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे छोड़ना होगा जहाँ पे हम इस पाइपिंग को लगाने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाइपिंग है, और इस पाइपिंग को मैं बाद में आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी किस तरीके से इस पाइपिंग को आप घर पर रेडी कर सकते हैं। तो इसे आज हम लगाना सीखेंगे। यहाँ पर जो है वो 1.25 इंच चौड़ी है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो तरीका है लगाने का वो मैं आज आपके साथ दो तरीके से शेयर करूंगी, और जो तरीका आपको पसंद आए आप उस तरीके से लगाइए। एक तो नॉर्मल तरीका है जो कि आप अक्सर यूट्यूब पे देखे होंगे, पहले मैं आपको उसी तरीके से सिखाऊंगी। और दूसरा तरीका है जो मैं फ़र्स्ट टाइम आपको सिखा रही हूँ, और यूट्यूब पर भी फर्स्ट टाइम ही आप ये देखेंगे, क्योंकि इस तरीके से किसी ने भी पाइपिंग लगाना नहीं सिखाया है। तो पहला जो तरीका है वो इस तरीके से हम करेंगे कि जो हमने यहाँ पर निशान लगाया था प्रेस से, तो उसी निशान पे हम जो है पाइपिंग को बिल्कुल बराबर पे देखिए इस तरीके से रखेंगे। यानी जहाँ पे हमारी जो ये पाइपिंग है जिसमें जो हमने डोरी डाल के बनाई है, वो हिस्से को हम बाहर की तरफ रखेंगे। और मैं यहाँ पे जो है वो डबल फुट से ही बना रही हूँ। ज़्यादातर लोग जो है इस पाइपिंग को लगाने के लिए सिंगल फुट का यूज़ करते हैं, लेकिन डबल फुट पर भी आप आराम से बना सकते हैं। बस ये है कि आपको मशीन थोड़ी सी स्लो में चलानी होगी। बिल्कुल किनारी पर से जैसे हमने पाइपिंग बनाई है जो सिलाई पे, सेम उसी सिलाई पे हमें सिलाई लगा के इस पाइपिंग को अटैच करना है। तो हमने यहाँ पे जो प्रेस से निशान बनाया है, उसके बाद में आप चौक से अच्छी तरह से इस पर निशान बना दें ताकि आपकी जो ये लाइन है बिल्कुल सीधी रहे। तो मैंने देखिए यहाँ पे प्रेस से निशान लगाने के बाद भी मैंने चौक से निशान लगाया है ताकि हमारी जो ये स्लिट की लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो यहाँ पे हम बहुत ही संभाल के और किनारी पर से सिलाई लगाएंगे, और जब यहाँ हम ऊपर की तरफ पहुँचेंगे तो यहाँ हम स्लिट को खोल देंगे, और जहाँ पे हमारी सिलाई ख़त्म हुई स्लिट की उससे थोड़ा सा ऊपर हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे पाइपिंग को कट कर देंगे और ऊपर तक इसे सिलाई से लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए पाइपिंग को मैंने इस तरीके से लगाया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम इसके ऊपर डबल फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें कपड़ा इसलिए ज़्यादा छोड़ना होता है क्योंकि हम यहाँ पे डबल फोल्ड करते हैं, और डबल फोल्ड करने के बाद में हमें सेम उसी फोल्डिंग के ऊपर सिलाई लगानी पड़ती है। तो एक तो ये मेथड है जो कि अक्सर आप जब YouTube पे सर्च करेंगे इनविजिबल पाइपिंग तो आपको यही तरीका दिखाया जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो दो तरीका सिखाया है। तो पहला तरीका यही वाला है जो कि अक्सर आपको देखने मिलता है। तो बस आपको फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगाते चले जाना है। तो ऊपर तक हम इसी तरह फोल्ड करके सिलाई लगाते चले जाएंगे। इसके बाद हम दोबारा इसे टर्न करेंगे और यहाँ पर जो है हम एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए सिंगल सिलाई यहाँ पे एक और लगा देंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो पलट के डायरेक्ट पीछे से भी सिलाई लगा सकते हैं या फिर सामने से भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम जब इसे फोल्ड करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें कहाँ पे और कितनी दूरी पे इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर बस हम एक सिंगल सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर फैब्रिक बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होना चाहिए। बस हम इसे बराबर करते जाएँगे और एक सिलाई लगा देंगे। और यहाँ ऊपर की तरफ पाइपिंग को हम अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पे इसे पक्का कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप डबल इसे सिलाई लगाएं, आपको दोनों तरफ लगानी है, तो पहले आप दोनों तरफ पाइपिंग को अटैच कर दें, उसके बाद में फोल्ड करके फाइनल सिलाई इसके ऊपर लगाएं। मैं आपको जो है वो सिंगल सिंगल बता रही हूँ ताकि अगर आपको सिर्फ आगे की तरफ लगानी है दामन में या फिर स्लिट में तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पहला वाला तरीका है। तो यहाँ पर हम पहले एक तरफ की स्लिट को कम्प्लीट कर देंगे लगा के पाइपिंग। तो मैंने जो तरीका आपको सिखाया है सेम वही दोबारा उसी तरीके से हम इसे लगा के फाइनल कर देंगे पहले। तो इसके आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये पाइपिंग हम किस तरीके से घर पे रेडी कर सकते हैं, और पाइपिंग को बनाने का भी अलग अलग तरीका होता है, और आप जो है एक साथ में कई मीटर पाइपिंग जो है रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है सेम उसी मेथड से दोबारा से पाइपिंग लगा रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर किया करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको अबाया, स्कार्फ या फिर हिजाब बनाने का शौक़ है तो आपको मेरे दूसरे चैनल पर यानी हिनाज फैशन पर हर तरह का जो है वो अबाया की स्टिचिंग की वीडियो मिल जाएगी। या अगर आप कुछ अलग टाइप का अबाया सीखना चाहते हैं, स्कार्फ सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे उसकी जो है फ़ोटो इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपको बताने के लिए। या फिर हिजाब इनर कैप अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उसकी फ़ोटो भी मुझे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो पहला तरीका है वो फिनिश हो गया। उसके बाद ये दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड जो है बहुत ही ईजी है। इसमें बस आपको क्या करना है, कुर्ती का जो है उल्टा साइड यहाँ ऊपर रखेंगे, और यहाँ पे जो है हमने पहले से ही बॉर्डर लगा दिया। अगर आपने बॉर्डर लगा दिया है तो आपको जो है ऊपर से फोल्ड करना होगा। अगर बॉर्डर नहीं लगाया तो आप डायरेक्ट इस तरीके से पाइपिंग रख के लगा सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हमारी इस कुर्ती में इस पाइपिंग को हम अटैच करेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पहले हम फोल्ड करेंगे थोड़ा सा। अगर आपने पहले से बॉर्डर नहीं अटैच किया है तो आप डायरेक्ट जो है इसे जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्योंकि पहले से बॉर्डर यहाँ पे लगा दिया था इसलिए मैंने यहाँ पे इस पाइपिंग को फोल्ड किया है। तो हमें जो है कुर्ती को बस उल्टा रखना है और पाइपिंग को उसके अंदर जॉइंट कर देना है। नॉर्मली जो है हमने जहाँ से कटिंग की है बस हल्का सा वहाँ पे कपड़ा रखते हुए हम इसे जॉइंट करेंगे। और जब ये पाइपिंग हम लगाते हैं तो हमें इसमें जो है एक या डेढ़ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई हमारा जो है ऐसा फैब्रिक है जिसके अंदर बस हाफ इंच ही हमारे पास मार्जिन बची है, हमें उसके अंदर ही स्लिट बनानी है, तो उसमें जो है आप इस मेथड से पाइपिंग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है पाइपिंग को यहाँ पे अटैच कर दिया है, वो भी उल्टी तरफ से आप देख सकते हैं। और इसके बाद में हमें बस यहाँ पे इसे इस तरह फोल्ड करना है। सीधी तरफ करते हुए हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे पहले हम जो है इसे बराबर करेंगे, क्योंकि हमने एक तरफ जो है स्लिट में पाइपिंग लगा दी थी इसलिए हम इसे यहाँ पे नाप लेते हैं ताकि हमारी जो ये पाइपिंग है वो आगे पीछे या ऊपर नीचे ना हो। उसके बाद में हम इसे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। हमने पहले जो है हमारी स्लिट में इसे जॉइंट किया है पाइपिंग को, उसके बाद इसे टर्न करके हम एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पाइपिंग की साइड से ही हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं, तो ऊपर तक हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। ये बिल्कुल नया तरीका है, आपने आज तक YouTube पे ये तरीका नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे हम जो है इसे ऊपर तक इस तरह सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हम इसे दोबारा से टर्न करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो मेथड है इसके अंदर और भी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग लगती है, और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और इसमें जो है आपकी पाइपिंग में ज़रा भी झोल नहीं आएगा और बहुत जल्दी आप जो है इस पाइपिंग को लगा सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई लगाएंगे, या फिर अगर आपने पाइपिंग की चौड़ाई जो है एक इंच रखी है पूरी तो आप उतनी भी जो है इसमें रख के सिलाई लगा सकते हैं, यानी चौड़ाई भी आपके ऊपर है, जितनी चौड़ी आप चाहें इसके अंदर पाइपिंग दे सकते हैं। बस मैंने आपको इसलिए ये बताया है क्योंकि अगर आपके स्लिट में साइड में कपड़ा कम है और आपको इस तरह की पाइपिंग लगानी है इनविजिबल, उसके लिए जो है ज़्यादा फैब्रिक छोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ही कम फैब्रिक छोड़ने के बावजूद भी आप इस तरीके से पाइपिंग लगा सकते हैं। तो ये दूसरा वाला तरीका है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। और यहाँ पर देखिए पहला वाला तरीका जिसके लिए हमें ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है डबल फोल्ड करने पे, लेकिन अच्छा तरीका जो है वही मुझे लगा जो मैंने सेकंड वाला आपको बताया है। और उसके बाद ये जो बॉर्डर आप देखते रहे हैं इसकी वीडियो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी घर पे आप किस तरीके से ऐसा बॉर्डर रेडी कर सकते हैं पाइपिंग लगा के। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।